जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरि वराधारी जय गिरि वराधारी जय जय गिरि वराधारी जय यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना यशोदानंदना ब्रज जन रंजना यशोदानंदना जमुना तेरा वन चारी जमुना तेरा वन चारी जय राधा माधवा जय कुंज हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव
जय श्री श्री राधा माधव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्यमान गौर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। शिष्य गौर निताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी की जय। राधा गोपीनाथ राधा गोपाल जो राधा माधव की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंदस्वामी नितिनामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नितिनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरों दीनतारिणं परमानंदमाधवं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशोनमुपयामि। गुरुं मुनीनां तं व्यासशोनमुपयामि। गुरुं मुनीनां तं व्यासशोनमुपयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद षष्ठ अध्याय प्रहलाद महाराज असुर बालक मन को सांग मान को शिक्षा प्रसंग आम श्रवण करुले। प्रहलाद महाराज से मानक करुणा करी असुर बालक मान सांग मान करुणा करी ता ना करुणा मैत्र महाभागवत असुर महाभागवत प्रहलाद महाराज से बालक मानको करुणा करी तंकु भागवत धर्म शिक्षा देले। प्रथम श्लोक आम शुणुले प्रहलाद महाराज कहते कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्मन तदप्य ध्रुवमर्थदम्। जो मैंने बुद्धिमान प्राज्ञ लोक से मैंने कुमार वयसर बालक वयसर ये भगवत धर्म आचरण करिवे। अरे कारण होची मनुष्य जन्म दुर्लभ दुर्लभ हेले मध्य अध्रुव स्वल्प समय पर मिली एवं ता सहित अध्रुव हेले मध्य अर्थद से कौन से प्रकार समय अपचय नक जड़े व्यक्ति
केवल भागवत धर्म आचरण करवा दरकार एमती अपेक्षा करार ना जे कि बयस वृद्धि हेले ज्ञान वृद्धि हेले बुद्धि आसे जन भागवत धर्म करिबो ना कौमार आचरेत प्रज्ञ बाल्य वयसर मध्य भागवत धर्म कहले भगवान कर श्रवण कीर्तन स्मरण ए सब जने आचरण करिपरिबो काली आम आलोचना करथले तल काहे केन प्रकार एना भागवत धर्म आचरेत को प्रकार भागवत धर्म आचरण करिबो जथा ही पुरुषस्य विष्णु पाद पशर्पणम जदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत भगवान का सहित आमर नित्य शाश्वत एवं प्रीतिपूर्ण संबंध अछि। ए संसार आम जो संबंध सृष्टि करुचे आम जन्म हला परे संबंध आसुचे पितांक सहित मातांक सहित बंधु सहित संपर्क जन्म हला परे आसुचे किंतु प्रकृत आम शरीर नुहे मत आत्मा तेणु आत्मा मान परमात्मा सहित संबंधित तेणु भगवान का हूँ अति प्रिय जेहेतु से आम निकट रोचे अति नियर एंड डीयर आत्मा निजे भगवान हूँ आत्मा ईश्वर ए सबुर जहाँ कि आम जगत जहाँ कि देखुचे ईशावास्यम इदम सर्वम से भगवान का ईश्वर सबुर से नियंत्रणकारी आश्वरुद मंगलाकांक्षी एकमात्र हिताकांक्षी बंधु से भगवान सहित आम भजन करवा धर्म देखकर भक्ति करवा एक कथा से कहले कहला पर से कहते आम कल एक विषय आलोचना करुले ये बेसिक जो अति साधारण संपर्क भगवान सहित तेणु भगवान को छाड़ीदे कृष्ण को छाड़ी देकर किसी सेमती जगतर अवस्थित किसी ना आमर स्थिति भी किसी ना सहित आहरी उन्नतर उन्नततर संबंध हूँ ना दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य यह सब भक्त है संबंध तेना आत्मा हिसाब से संबंधटा हूँ प्रिय आत्मेश्वर स्रोत यही चारि प्रकार संबंध यहाँ कही सारापर से पचारे ये आम कथा से कहते ननु भोग उद्यम कथं त्याजे असुर बाड़क मैंने पचारे कहला आज्ञा आपड़ कहते भगवान कर आराधना करवा दरकार से भगवान हूँ प्रिय आत्मस्वर सुहृत हेले आम शरीर अच्छी परिवार अच्छी भोग करने गोटे कामना रही भोग उद्यम कथा त्याजे भोग किभली त्याग करू भोग तो करा पड़ा शरीर अच्छी मैंने आहार निद्रा मैथुन सब दरकार से कह से चिंता करना से भगवान से व्यवस्था कर भोग करने तृतीय नंबर श्लोक कहते जुक्ति दे कहते प्रहलाद महाराज ए प्रकार भाव में शिक्षा सब दे जगतर कौन से विद्वान से शिक्षार किसी जुक्ति उठे पार सुखम इंद्रिय कम दैत्या देह जोगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम मजत्नतः ये श्लोक सब प्रथम श्लोक जो दि जाए कौमार आचार्य प्राज्ञ ये सब श्लोक से ही श्लोक को बलिष्ठ कर जो प्रथम स्टेटमेंट देले जे कुमार वयस भगवान हरिंकर भागवत धर्म आचरण करवा दरकार कहीं मनुष्य जन्म दुर्लभ स्वल्प समय पर मिली आई मनुष्य जन्म केवल जे भगवत भक्ति करपर अन्न जन्म संभव नुहे ये जो स्टेटमेंट प्रथम देले प्रथम उक्ति कहले बलिष्ठ करने निमित्त प्रमाण करने निमित्त बुझेवा निमित्त आहरी जुक्ति दौंती कहीं जन भगवत धर्म आचरण करवा दरकार जो प्राज्ञ शब्द लगे बुद्धिमान लोक प्रभुपाश वाले बुद्धिमान को प्राज्ञा शब्द कहते सफिसीयंटली इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोक से मैंने भागवत धर्म आचरण करेंगे मूर्ख लोक मैंने करें से बहु प्रकार धर्म संसार अच्छे देखिए वेद धर्म कथा कहुच्छे वर्णाश्रम धर्म कथा कहुच्छे देश सेवा जे कर देश धर्म लोकसेवा कर जनमंगल कार्य कर रोगी सेवा कर शरीर दान एम चक्षु दान कर विभिन्न प्रकार धर्म अच्छी आम संसार जो विभिन्न प्रकार धर्म देखुचे ये धर्म कौन ना नैमित्तिक धर्म ता सहित
ए धर्म रे आत्मकल्याण किछु हेनि जो माने अति निर्बुद्धिया जे कोनते एते बुद्धि तांकर परिपक्व नहु से माने संसार रे किछु उन्नति करय पे चेष्टा करन्ते अति बेसरे आउ मध्य धर्म आचरण करछन्ति लोक माने स्वर्ग को जाउछन्ति उच्च लोक को जाउछन्ति वेद धर्म को कडाकडी पालन करी काहेकि ना भागवत दृष्टिकोण देखिले जीवर भगवान सहित संबंध आ से केवल भगवत धाम को फेरी जीवा होची तार निजालय त निज घर होची भगवत धाम सनातन धाम भगवत धाम से सनातन धाम को फेरी जीवा तार कर्तव्य जो सनातन धाम को फेरी जीवा पई जो कार्य करे जो धर्माचरण करंती ताकु कहत सनातन धर्म आ ता केवल भगवान कहले जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन केवल मते जे तत्व जानवे से माने केवल मो धाम को आसबे ता माने संसार रे जते प्रकार धर्म आमे देखुचे पर पिता माता सेवा करबा सब धर्म जते अछि ए सब नैमित्तिक धर्म एटा देखो नित्य धर्म नहे ए धर्म आचरण कले आपन सामाजिक स्थिति श्रृंखलित हब सामाजिक स्थिति शुंगलित हम किंतु एथरे मुक्ति मिलवानी भगवत धाम को जीवनी से कहले पूरा स्पेसीफाए कहले भगवत धर्म माने आम पूर्व कही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक केवल भगवान आश्रय नवा तेणु जो कहले ननु भोग उद्यम कथं त्यजे भोग उद्यम आम रही खाया पीवा बंचवा किसी एंजय किसी भोग करवा यहाँ कम त्याग कर से कहे ना ना से चिंता करना तुम्हें व्यवस्था है सुखम ऐंद्रियकम दैत्यम देह जोगे न देही नाम कि सुख ना ऐंद्रियकम सुख भल भाव बुझे दी प्रकार सुख मिलू जो मैंने भौतिक स्थित अच्छा शरीर चेतन अच्छा से मानकर कि सुख इंद्रिय सुख संसार लोक मैंने इंद्रिय सुख कौन भल देख भल खाइवा भल पिंधा भल घर भल स्त्री भल पा इंद्रिय सुख स्पर्श जनित सुख से कहले तुम्हें जो व्यस्त हो इंद्रिय सुख करी से चिंता करना इंद्रियकम सुखम इंद्रिय सुखटा निर्धारित हो जा प्रभुपा से इंद्रिय सुख कौन सो कॉल्ड प्लेजर एंड पेन यहाँ प्रकृत सुख नुहे कि प्रकृत दुख भी नुह इंद्रिय सुखटा प्रकृत सुख नुहे आ इंद्रिय जो दुख किसी मिलू सी दुख मध्य नुहे से ऐंद्रियकम सुखम ए इंद्रिय सुखपी व्यस्त हुआना यह सब समस्त व्यवस्था अच्छी कहे जुक्ति दे कहे इंद्रिय सुखटा आत्मसुख ठारू संपूर्ण भिन्न इंद्रिय सुख आत्मसुख ठार भिन्न जो मैंने सब आत्मस्थित अच्छा जो मैंने विशेषकर भक्त हूँ कि निर्विशेषवादी भी हूँ मायावादी भी हूँ समस्ते आत्मसुख पाइबापी चेष्टा कर आत्मसुखटा प्रकृत सुख इंद्रिय सुख आत्मसुख जे लाभ कर इंद्रिय सुख इंद्रिय सुख पर कौन से व्यतीव्यस्त से नुह इंद्रिय सुख मिलले से खुशी न मिलले मध्य तार खुशी भगवान समग्र भगवत गीतार बारंबार एक कहते ताल से कि प्रकार सुख खाली जानते आत्मसुख जो ये जो कहले सुखम ऐंद्रियकम प्रहलाद कहते ऐंद्रियकम सुख इंद्रिय सुख कहले केवल शरीर सुख यही सुख पर जेतु संसार लोक मैंने व्यस्त से कौन देख तुम्हें जो इंद्रिय सुख पर व्यस्त रोच व्यस्त हुआना तुम जो कोटा अच्छी से पहुँच तुम पाखे जी पाइबार अच्छे से सुख आज पहुँच तार जुक्ति देवे खाली प्रथम जाना दरकार आत्मसुख और इंद्रिय सुख मध्य पार्थक्य कौन आत्मसुख हूँ कौन ना सुखम आत्यंतिकम जत्त बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम षष्ठ अध्याय भगवद गीत कह जो मैंने भक्त माने आता सहित जो माने आध्यात्मिकवादी जो माने से माने आत्मसुख पाइबापी चेष्टा कर आत्मसुखटा नित्य सुख ता सहित आर कौन सीमा ना कि इंद्रिय सुख कौन आद्यंत बंत कहते तो पूर्व आद्यंत बंत कौंत नते सुर मते बुध यहाँ कौन बुद्धिमान लोक ता पचरे धाए तेना आत्मसुख रहा जीव परिस्थिति रे व्यतीव्यस्त माने सम सुखं दुखं स्वस्थ सम लोष्ट स्मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर स्तुल्य निंदात्म सुस्तुति मानापमानय स्तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षय सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत शौच्यते भगवान कहिले भगवद गीता चतुर्दश अध्याय कहिले
आत्मसुख जो लाभ कर जो लोक माना अपमान निंदा स्तुति आनंद विषाद शत्रु मित्र सब समान हो जाओ पाखे से स्थित से प्रसन्न हे आम जो सुखला मन कर मत भोक हो दीटा खाईदली सेठी कौन है प्रसन्नता नुह इंद्रिय सुख गोटे किसी उपभोग करदे इंद्रिय सुख से सुखटा किसी समय पर शेष हो जाए कि प्रसन्न मान से सुखर उपस्थित था अनुपस्थित था सुख मिलू कि न मिलू मान से इंद्रिय सुख मिलू कि न मिलू ता मन सब प्रफुल्ल रुख रहा केवल दिव्य स्थित रुहे आटा कौन सेमती कहीहबन कथार भाषा प्रकाश करहबन आम प्रवचन दौचे कि शुणुचे कि पढ़ुचे कि आईडिया आसचे कि आत्मसुखटा कौन आत्मस्थितिटा कौन एटा अनुभवर विषय अनुभवर विषय जड़े तो गुरु गुरु साधु अधीन रहीकि भक्ति अभ्यास कर आत्मसुखटा स्वाभाविक भितर आसव तार बेले बेले देखिए आप जप करेंगे कि सेवाटा वैष्णव अपराध हो नवा करेंगे अद्भुत आनंद लगुव से भावत यह आनंद सबल रुहता कि कौन से प्रकार कि अपमान निंदा दे कि किसी व्यतीव्यस्त हो ना आसो आत्मसुखर क्लो धीरे धीरे तो धीरे धीरे पाखापाखि आसचे आम बेले बेले आसा कंटिन्यू निरंतर रुनि आसचे समस्त हरिनाम कला मैंने आसो आत्मसुख कितु सेटा आम रखी पारने का वैष्णव अपराध द्वारा विभिन्न प्रकार सेवा अपराध बौधान अपराध द्वारा से निरंतर होनी देखते दे, इंटरप्टेड हो जाए व्याधाप्राप्त हो जाए कि प्रकृत से सुखटा आसत निरपराध हो दैन्य भाव आसीज से सुखटा निरंतर हो कहते गुरुणाम विचार लाते पृथ्वी ध्वंस हेले भी से लोक छाड़बन से ना यहीटा ही सुख भगवत गीतार भगवान कही आखपी जगतर कौन से ए जगतर जिते सुखमय वस्तु दि से चाहबन के आत्मसुख एट अनुभवर विषय क्या भाषा प्रकाश करहबन जमी गोटे पांच वर्ष पाटा को मैथुन सुखटा कौन केमी बुझे आप कि बुझे पारे ता बयस आसे से अनुभव कर सेमती आत्मसुखटा कि कहीकि क्या बुझे हेन कि प्रहलाद ये जो सुख कथ कौन क्या साधारण लोक मैंने जो सुखपाई व्यस्त अच्छे से कि सुख इंद्रिय सुख तो कह तुम चिंता करना तुम्हें इंद्रिय सुखर व्यवस्था हो सुखम इंद्रिय कम दैत्या देह जोगे न देहिना देह जोगे न देहिना ये शब्द गुड़ा बहुत गुरुत्वपूर्ण देह जोगे न देहिना शरीर जो मिले आमको से शरीर कि सुख मिल व्यवस्था निर्धारित होटे लोक धनी शरीर पाई व्यवस्था होती तार से समस्त पर्टिकुलर शरीर समस्त पृथक पृथक शरीर अच्छी से शरीर में केते सुख केते दुख मिल पूर्वर फिक्स हो पूर्व फिक्स आप शरीर सुखटा बदल पारे परिश्रम कर बदल पारे साधारण तो लोक मानक धारणा कौन आजिकल ना परिश्रम कले खटिले बहुत पैसा रोजगार कले सुखी हे कि सुखी हेनी ताकू कह सुखी हेनी आप धन रोजगार कर सुखर विषय वस्तु किए भल गाड़ी भल घर भल स्त्री भल बेड फेड सब किए कि सुखटा किते सैंटिफिकली बुझे पूरा लॉजिकल सुखटा किबानी कहीं पूर्वजन्म कर्म अनुसार सुखटा से लभ्यता शब्द लभ्यता मान आपण को मिल आप चेष्टा कर लाभ करवा लाभ करवा मान पूर्व मान पूर्व व्यवस्था है आपन को दिगला आप कोटा अनुसार आपार से दिगला कि आप चेष्टा कर पा ना लभ्यते शब्दा लगाई सुख मंदिर कम दैत्य देह जोगे सर्वत्र लभ्यते कहले केह जोगे ना जमी वस्तुर धर्म अच्छी जमी अग्नि मैंने स्पर्श कले गरम लगे तातीब निश्चित अग्नि सेमती प्रत्येक प्रत्येक वस्त्र किसी धर्म अच्छे ये माइक्रोफोन साउंड को लाउड कर फंक्शन भल कर साउंड लाउड कर सब गोटे फंक्शन अच्छी सेमती प्रत्येक शरीर में किसी धर्म भी अच्छी प्रत्येक शरीर तो प्रत्येक शरीर जो पाई शरीर पाई किसी सुख किसी दुख तक युक्त होती पूर्व कर्म अनुसार बहुत समय लोक चिंता करें सी परिश्रम करश्रम कर बेसी लाभवान हो बेसी तार प्रशंसा पाँच क्या धन पाँच मुझे खटी खटी होनी कि ना 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 आपण शरीर मिले से मिल आप अधिक पाइबे
ଆପଣ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବୁଝିଦେବ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମିଳିବ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଟା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁଖ ଦେହ ଲଭ୍ୟତେ କହିଲେ ଲାଭ କରିବେ ଆପଣ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଶରୀର ସୁଖଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିହେବନି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ବୃଦ୍ଧି କରିହେବନି। ବୃଦ୍ଧି କରି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରି ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବି, ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଖଟି 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 ଯାଉଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ବୁଢ଼ା ହୋଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସୁଖ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜୀବନଟା ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଉଛି, ବେଶୀ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଉଛି, ସୁଖ ମିଳୁନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସୁଖ ସେତିକି ପାଇବାର ଅଛି। ସେତିକି ପାଇବାର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଧନ ଯେ ଅଧିକ ହେଲେ ସୁଖୀ ହେବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଧନୀ ଲୋକ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ନା। ଏ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁଖଟା କିଣି ହେଇପାରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କିଣିଦିଅନ୍ତେ, ବହୁତ ପଇସା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କଡ଼େ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଖୀ ହେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ସୁଖ ଆମର ସୁଖ ମିଳିବାର ଅଛି, ସେ ସୁଖ ମିଳିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିଛି, ସୁନ୍ଦର ବେଡ଼୍ ପକାଇଛି, ତାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି, ଭଲ ଗଦି ଫଦି ପକାଇଛି, ନିଦ ହେଉନି। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ସେ ରେଲୱେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ପ୍ରତି 2 ମିନିଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ଘଡ଼ 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 ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ସେଠି ଲୋକ ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି, ଶୀତ ହେଉଛି, ମଶା ବାଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ୟାକୁ ନିଦ ହେଉ ତାକୁ କେମିତି ନିଦ ହେଉଛି। ତା'ମାନେ ସୁଖଟା ପଇସାରେ ନାହିଁ, ତୁମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୁଖଟା ଆସିବ। ତେଣୁ ବହୁ ଯତ୍ନ କଲେ ଯେ ସୁଖ ମିଳିଯିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁ ଯତ୍ନ କଲେ ସୁଖଟା ଲଭ୍ୟତେ, ଲଭ୍ୟତେ କହିଲେ କେବଳ ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ, ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପାଇବେନି। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ କି ଲୋକ ଧନ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପାଇଛି, ଭୋଗ କରିବା ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବନି, ସେ ଦୁଃଖୀ ନା। ଆପଣ ଦୁଇଟା ଖାଇକିରି ପଖାଳ ଭାତ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାଗ ଖାଇକିରି ଆପଣ ନିଦରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କିଏ ସୁଖୀ? ତାହେଲେ ଯାର ଗୃହେ ଆଛ ହେ ଯେ ଉତ୍ତମ ଉପଭୋଗ, ଯାର ଗୃହେ ଆଛ ହେ ଉତ୍ତମ ଉପଭୋଗ, ତାରେ କୃଷ୍ଣ ଦିଆଛେ ନା କୌନ ମହାରୋଗ, ତାରେ କୃଷ୍ଣ ଦିଆଛେ ନା କୌନ ମହାରୋଗ, କିଛି ବିଲାସିତେ ନାରେ ଦୁଃଖ ପୁଣି କରେ, କିଛି ବିଲାସିତ ନାରେ ଦୁଃଖ ପୁଣି କରେ, ଯାର ନାହିଁ ତାହା ହୋଇତେ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ତାରେ, ଯାର ନାହିଁ ତାହା ହୋଇତେ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ତାରେ। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ମନ୍ଦିର କମ୍ ଦୈତ୍ୟ ଦେହ ଯୋଗେ ନା ଦେଇ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଯେ କି ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପଦ ହେଲେ ତୁମେ ସୁଖୀ ହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯାର ଗୁରୁ ଆଚୟ ଯେ ଉତ୍ତମ ଉପଭୋଗ, ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋଠା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର BMW ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, କି ବିଦେଶ ଫିଦେଶ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାରେ କୃଷ୍ଣ ଦିଆଛେ ନା କୌନ ମହାରୋଗ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରୋଗ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଠାଏ ବଟିଆ ଖାଇବ ଶୋଇବ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଚାଲିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବେଡ଼୍ ପକାଇଛି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କହି ତଳେ ଶୋଇବ କାହିଁକିନା ସ୍ପଣ୍ଡିଲିଟିସ୍ ବାହାରିଗଲାଣି। ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର କୃଷ୍ଣ ଦିଆଛେ ନା କୌନ ମହାରୋଗ, ଏ ଭଗବାନ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେନି। ଏଠି ଯେ ଭାବେ ସବୁ ସୁଖୀ ନାହିଁ ସେମିତି ସୁଖ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, କିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେବେ ତା ସହିତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା ସେତେ ନାଁରେ ଦୁଃଖ ପୁଣି କରେ, ତା ପାଖରେ ସବୁ ଭଲ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଭଲ ଶୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ବଡ଼ ରୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଅଛି ନା, ସେ କିଛି ରଖିବେନି, ସବୁ କିଣିକିରି ଖାଇଦେବେ, ଯଦି ରୋଗ ସେଥିରେ ରୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲିମିଟେସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଯାଉଛି ଏତିକି, ତାପରେ ଆଉ ଭୋଗ କରିପାରିବନି, କୋଟା ଏତିକି।
एति कोटा तुमर अधिक ताठ भोग करि परबन जेम कहा जडा एग्जांपल सेटा बहुत समय में कहे गोटे जीवन रे गोटे लोक दिया जाय छि तमे बस्ताय चीनी खाइबो बस्ताय चीनी खाइबो तमे सेटा को एंते जीवन सारा जदि खाइबो सेम खाइ परबो से बस्ताटा आपन दिवस रे सार देबे किछ असुविधा नै दिवस सारिए माने तापर आपन डायबिटीज कोन हेथियो तापर आ खाइबेन जीवन सारा चीनी खाइबेन ताने आपनकर कोटा भोग करिवार कोटा सेतिकि से जो लोक रोग सब होइछि तांका कोटा सर जाय छि आउ जदि अधिक भोग करिवार रोगी हेबे बेसी माने रोगटा कॉम्प्लिकेशन को आसीबो किंतु से भोगी पारिबे ने भोगटा आपनकर कोटा जति सेति पाइबे जो मानकर रोग होइछि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गोड़ छोटा हो जा होइछि आउ दौड़ा दौड़ी करि परबे ने गोड़ छोटा करि पका होइछि कहीं आउ चला चल सब गोटे कहीं आम सब एंजयमेंट सब ना कि चल कथ कह बुल शोवा सब थोड़े एंजयमेंट अच्छी एंजयमेंट अधिक हो गले गोटे रोग आसो भोगटा अधिक हेल्ला रोग आसो रोग आसीगले आप कोटा सरीगला तेणिक आउ ना जैसे फोन आसने गोटे मोबाइल फोन आसना सी डोट हाव एनफ बालान्स टू कल दिस नंबर बालान्स ना कल कर आज्ञा मुझे एत टा खर्च कले ना 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 से तुम ना पैसा पकाओ पे से जिनसा हो किसी भी लीते ना दुख पुणी कै जार ना ताइए दुखी बोले मरे एपटे बहु किसी लोक को बहुत किसी दे भोग कर आउ के लोक किसी ना सी दुख कर मरुच आरे मोर कि मुझे बड़ धनी था गोटे बड़ गाड़ी चढ़ था सी किसी पा ना कहार तात्पर्य हूँ सर्वत्र लभ्यते दैस कहते कि यहाँ देह जोगे ना देही नाम आपण शरीर अनुसार सुख आ आपण परिश्रम कर सुख को बदल पारे मनी क्यान बाय द बेड बट नॉट द स्लीप टंका द्वारा सेज तकिया खट कि निद कि अलग जिनस सेमती आ सुखटा हो दिखाई से प्रचेषा करवा दरकार ना बहुत परिश्रम कर सुख पाई लोक ये शिक्षा भागवत शिक्षा ना बोली लोक जाणी ना कठिन परिश्रम कर प्रथम श्लोक लगे मनुष्य जीवन टाक व्यर्थ में नष्ट कर दौरान केवल परिश्रम करवल नष्ट कर अधिक परिश्रम कले अधिक बड़ हो ना ना से ना सेमती कहते सर्वत्र लभ्यते ये सुख कथा कि सुख है इंद्रिय सुख इंद्रिय सुख विशेषकर कौन आहार निद्रा भय मैथुन यहाँ इंद्रिय सुख आउ कि ना आउ जिते प्रकार सुख अच्छी से सुख सब यही सुख पर पर्यवेक्षित ये जो इंद्र सुख कथा कहु हार निद्रा भय मैथुनी चार्टा हूँ इंद्र सुख ये बेसिक यही सुख पाई समस्त पशु पक्षी मनुष्य समस्त धाई से कहे सर्वत्र लभ्यते सबुठ सुख सबुठी उपलब्ध कि कहते पशु आदि भी जोनि सुपी पशु जोन लाभ आम जो खाऊे शोचे पिला पर इंद्र सुख करुचे से पशु मैंने भी करुँच कहे सर्वत्र लभ्यते अजत्नतः जुक्ति दे अजत्नतः अजत्नतः माने बिना जत्न नकले आसव जो खाइबा शोवा पिंधा जो मैथुन सुख बिना प्रचेषार आसव आप प्रचेषा नक कौन मत किए खावाक दब ना 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 जो सुखटा बिना प्रचेषार आसव किंतु आपण शरीर रक्षा निमित्त प्रचेषा करें बर्तमान लोक समस्या कौन है यहाँ साधारण लोक जापार ना लोक सुख सुखी हो प्रचेषा कर सुखी हो प्रचेषा करना केवल शरीर रक्षा निमित्त प्रचेषा कर सुखटा ऑटोमेटिक मिल बड़ हाँ चेष्टा कर लोक कहते मुझे बड़ हेल्ले सुखी हेनी बड़ हेल्ले सुखी हेन कौन शरीर रक्षा कौन जहाँ बस बस कौन तक खावाक मिलना ना ना तो पिला छुआ चलो ना से खटिव परिश्रम कर आठ घंटा दस घंटा खटिव जीक तार आवश्यक से परिश्रम ता माने शरीर रक्षा निमित्त जी मोर मैंने गोटे ब्रह्मचारी अच्छी तार शरीर रक्षा निमित्त कार्य कर ग्रस्त अच्छी तार पिला अच्छा स्त्री अच्छा से अनुसार कार्य कर किंतु बड़ हाँपाई गोटे कि मानने अधिक बड़ हेल्ले सुखी से प्रचेषा करवा वृथा कहीं आपर ऑटोमेटिक आसव आप कर्म अनुसार आसव आप बड़ हबार अच्छी आसो आपण पाख जमी आप एग्जांपल गोटे दौर आम स्कूल पाठ पढ़ुले समस्ते पाठ पढ़ला समस्त से अ आ ए बी सी डी शिखाई समस्त ना से गीत लिखापी शिखा जाए ना लेखक हाँपाई ना ना कवि हाँपा ना चोरी चोर हाँपाई किसी शिखा दिए केवल से ए बी सी डी अ आ शिखी समस्त साहित्य भूगोल पढ़ी देखो किए तो लेखक हो गला किए कवि हो गला किए इंजीनियर हो गला किए चोर हो गला किए नेता हो गला से मन मन बाहरी जी जहाँ हमारे बाहरी जो सब यह ना नहीं
ସେମିତି ସେମିତି ଆମର କାମ ହେଲା କେବଳ ଶରୀର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାରଣ ଶରୀର ବି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଶରୀର କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସୁଖ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଧାଇଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଅଧିକ ରୋଜଗାର କଲେ, ବେଶୀ କୋଠାବାଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ବେଶୀ ଜାଗାବାଡ଼ି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, ସେଇଟା ନୁହଁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଟା ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ଅଯତ୍ନତଃ, ଯେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିନା ଯତ୍ନରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ବିନା ଯତ୍ନରେ ଦେଖୁନୁ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମେ କ'ଣ ଯତ୍ନ କରିଛେ ସେଥିପାଇଁ? ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ କ'ଣ ଦୁଃଖ ପାଇଁ କିଏ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କହିଲେ ନା, କିଏ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ କରୋନା ହେଇଯାଉ? ସମସ୍ତେ କରୋନାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛୁ, ଆଭଏଡ଼ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯାହାକୁ ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇଗଲା ତାକୁ ନା, ଯାହାକୁ ନେବା କଥା ନେଇସାରିଲାଣି, ପୁଣି ଆଉ କେତେ ନେବ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଯିଏ କରୋନା ଯାହାକୁ ହେଇଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲା, ହେଲା କେମିତି ତାକୁ? ସେ ତାର ତ ପ୍ଲାନ୍ରେ ନଥିଲା ମୋତେ କରୋନା ହେଉ ନା। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି କୌଣସି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିନା ଯତ୍ନରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସେମିତି ବିନା ଯତ୍ନରେ ସେମିତି ସୁଖ ଆସିବ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କହିଲେ ବିନା ଯତ୍ନେ ଦୁଃଖେ ରହୋ ଦୟା ଜେନା ହାଇ, ବିନା ଯତ୍ନେ ଦୁଃଖେ ରହୋ ଦୟା ଜେନା ହାଇ, କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ମତ ସୁଖେ ରହୋ ଦୟା, କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ମତ ସୁଖେ ରହୋ ଦୟା। ଅତଏବ ଚଉଦ ଭୁବନେ ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ଧନ, ଅତଏବ ଚଉଦ ଭୁବନେ ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ଧନ, ସେଇ ଧନ ଜନ୍ୟ ଯତ୍ନ କରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେଇ ଧନ ଜନ୍ୟ ଯତ୍ନ କରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ହେଲେ ବିନା ଯତ୍ନେ ଦୁଃଖେର ଉଦୟ ଯେ ନ ହଏ, କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ମତ ସୁଖେର ଉଦୟ। ସୁଖ ମନକୁ ମନ ଆସିବ, ସୁଖ ମନକୁ ମନ ଆସିବ ମାନେ ତାମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା କରିବେ ସେ ସୁଖଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଅଧିକ ଧନ ହେଲେ ଯେ ସୁଖୀ ହେବେ, କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଠା ବାଡ଼ି ହେଲେ ସୁଖୀ ହେବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ସୁଖଟା ଆସିବା କଥା ଆସିବ। ଆଉ ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଆମେ କେହି ଯତ୍ନ କରୁନି ଆସୁଛି, ସୁଖ ସେମିତି ଆସିବ। ଏଇ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ, ଏ ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଏଇ ଭକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓରିଡ଼ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋ କୋଟା ତ ଅଛି, ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେତିକି କୋଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବଢ଼ିଯିବେ, ବଢ଼ିପାରିବେନି, ସେଇଟା ଅଛି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଚଉଦ, ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା, ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌମାର ଆଚ ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ, ଅର୍ଥତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଅତଏବ ବହୁ ଅତଏବ ଚଉଦ ଭୁବନେ ଦୁର୍ଲଭ, ଭୁବନେ ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ଧନ, ସେଇ ଧନ ଜନ ଜନ୍ୟ ଯତ୍ନ କରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସେ ଏକା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଦେଲେ ଏଥିରେ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇବା, କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ନ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚୁଛି, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେମିତି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଟା ଅଛି, ପରା କେମିତି ହେବ? ତାର କୋଟାଟା ଅଛି, ଏତିକି ଆସିବ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, କାହାର ବହୁତ ଅଛି, କାହାର କମ୍ ଅଛି। ମନେକର ମୋର ଧନ ପ୍ରଚୁର ଅଛି, ମୁଁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ କରି ଖାଉଛି, ଭଲ ପଲଉ କରି ଖାଉଛି, ଆପଣ ସିମ୍ବୁଲ ଡାଲି ଅନ୍ନ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଏଡ଼େ ପଲଉ କରି ଖାଉଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ?
ନେଇପାରିବେନି, ବରଂ ଆପଣ ସେ ଡାଲି ଭାତ ଆଳୁ ସିଝା କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାତିରେ ନିଦରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ସୁଖ କେଉଁଠି ଅଛି? ସୁଖଟା ଧନରେ ନାହିଁ କି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମନର କାମ, ସେଥିପାଇଁ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହିଲେ, ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ବିମତ୍ସର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟା ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ, ଯଦି ଏପରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି, ଖାଲି ମାଳା ହାତରେ ପଶିଥିବ ତିଳକ ମରା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଉପଦେଶାମୃତରେ କହିଲେ ବା ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସଶ୍ଚ ପ୍ରଜଳ୍ପ ନିୟମ ଆଗ୍ରହ ଜନସଙ୍ଗଶ୍ଚ ଲୌଲ୍ୟଙ୍କ ଷଡ଼ବୀ ଭକ୍ତି ବିନଶ୍ୟତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ପୁରା ଅତୃପ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ତାଙ୍କ ଧନ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ତୃଷ୍ଣା। ଭକ୍ତି କରିବା ଲୋକ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ଲସ୍, ମାନେ ଭକ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଲୌଲ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସଶ୍ଚ ପ୍ରଜଳ୍ପ ନିୟମ ଆଗ୍ରହ, ଅତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆଉ ଅତ୍ୟାହାର କହିଲେ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି, ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବହୁ ବସ୍ତୁ। ଅତ୍ୟାହାର ବହୁତ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଖାଇବା ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ତା'ର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୋଜନ କରିବା, ଅଧିକ ଭୋଜନ କରିବା, କିମ୍ବା ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏ ଭକ୍ତି ଷଡ଼ବି ଭକ୍ତି ବିନଶ୍ୟସି, ଲୌଲ୍ୟଙ୍ଚ ଲୋଭ ପ୍ରଚୁର ଷଡ଼ବି ଭକ୍ତି ବିନଶ୍ୟତି। ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି ଆପଣ, ମନେ ସବୁ ଧନ ଚିନ୍ତା ରହିବ, କ'ଣ ଜପ କରିବେ? ସବୁବେଳେ ଧନ ଚିନ୍ତା, ଅଧିକ ହେଲେ ଧନ ଚିନ୍ତା, ପୁଣି ଧନ କମ୍ ହେଲେ ତ ଚିନ୍ତା, ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ କମିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଲୋକ, ଚିନ୍ତିତ ହେବ କେଉଁଠି ପଇସା ଆସିବ, ପିଲା ଚଳିବେ କେମିତି, କେମିତି ଖାଇବା, କେମିତି ବଞ୍ଚିବା। ଅଧିକ ହେଲେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା, ରଖିବି କେମିତି ଧନକୁ, ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ, ବୈରତା ଆସିବ, ସବୁବେଳେ ଧନ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧନର 15 ଦୋଷ ଦେଖାଇଦେଲେ ପୁରା ଭଗବାନ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ, 70 ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ, ବେଳା ସେ ବ୍ୟସନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏଥିରେ ବହୁ କଷ୍ଟ, ଧନ ଅଧିକ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ବିମତ୍ସର, ଯେତିକି ମିଳିଲା ମୋ କୋଟା ଅନୁସାରେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, କର୍ମୀ ହେଉ କି ଭକ୍ତ ହେଉ, ଯେତିକି ମିଳିଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ କମିବନି କେବେ ହେଲେ। ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କୋଟାଟା, ଏମିତି ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଷ୍ଟମଟା ଜଗତଟା ଏମିତି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିନା ମନୁଷ୍ୟ, ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପିଲା, ଗୋଟେ ପିଲା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଦେଖିଲେ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାଘ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେହି ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା, ଆମର କେତେ ଶରୀରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବସ୍ତୁ ଦରକାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦରକାର, ଇଏ ଦରକାର, କେତେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଚପଲ ଦରକାର, ଏସବୁ କେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧେ, ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସର୍ପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି, ମନ ଖୁସି ତା'ର। ଘୁଷୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛି, ଆଉ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଉଛି, ମନ ଖୁସି ତା'ର ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନ। ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁ ଦୁଃଖୀ ନା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏତିକି ହେଲାନି ଆଉ ଦରକାର, ସବୁଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ବା ସନ୍ତୋଷଂ ତ୍ରିଷୁ ସନ୍ତୋଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ସ୍ୱଦାରେ ଭୋଜନେ ଭୋଜନେ ଧନେ ତ୍ରିଶୁଚ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ସ୍ୱଧାୟ ଜପଦାନୟ। ତିନି ଯେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଖୁସି ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି। ତ୍ରିଶୁ ସନ୍ତୋଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ସ୍ୱଦାରେ ଭୋଜନେ ଧନେ। ସ୍ୱଦାରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତିଆ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତିଆ, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ବ୍ୟଭିଚାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଇଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେବ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବ, ମୁହଁରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଯାହାର ଅଛି, ପରିବାର, ତା ନିଜ ଜୀବନ, ସବୁ କିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନା। ସ୍ୱଦାରେ ଭୋଜନେ, ଖାଇବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ରୋଗୀ ହେବେନି, ଆଦୌ ଜୀବନ ସାରା ରୋଗ ହେବେନି। ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବାହାରିଲାଣି, ବାହାରୁଛି କଷ ଖାଇବାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଖାଇବି, ସେଇଟା ଖାଇବି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବି, ଇଏ କରିବି, ଆପଣ କିଛି ନୀତିନିୟମ ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଧନେ, ଧନ ଯେତିକି ମିଳିଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ,
ଆପଣ ଯେତିକି ଧନ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ସେତିକି ମିଳୁଛି। ଯଦି କାହାର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ତା କର୍ମରେ ଆସୁଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେଇଟା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାସକୁ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 50,000 ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 10,000 20,000 ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାର ଯେତିକି ଦରକାର ଭଗବାନ ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଡିଜର୍ଭ କରୁନି ସେତିକି। ଏ ଶ୍ଳୋକ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ସେ ଆସିଯାଉଛି ସେଥିରେ। ସେ କହୁଛି ସେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ଲୋକ ସେତିକି ଅଧିକ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କାରଣ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେବେନି, ଦେବେ କି? କାହିଁକିନା ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନି, ସେ କ'ଣ କରିବ 5 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯେ ଦୋକାନ ଦେବ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବ, 5 ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ୍ କିଣା ହୁଏ, ସେ ଜାଣିନି ବ୍ୟବହାର କରି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟାକୁ ତାକୁ ଆପଣ ଧନୀ କରିଦେବେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିନି, ତା ଧନରେ ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କଷ୍ଟ କରି ରୋଜଗାର କରିନି, ତାକୁ ମନେ କରି ଆପଣ କରିଦେବେ, ବଡ଼ କରିଦେବେ, ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଧନ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କରେ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ କଟେଇବ, ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ମଦ୍ୟପାନ, ଆଉ ସେ ଅଧିକ ଗର୍ବୀ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ଗହଳିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ସହର ବଜାର ପରି ହୋଇଗଲାଣି ଗାଁ, ଲୋକମାନେ କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଁ ରହୁଛି ଦେଖିପାରୁଛି ନା, ମାନେ କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଚ ଲୋକ ନିଚ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଯିଏ କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ସେ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମାଜରେ ଆସିଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଭଗବାନ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବେ, ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ହିଁ ସେ ସଂଯତ ହୋଇ ରହିବେ। କେତେ ବହୁତ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାର ଗୋଟେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବ୍ଲାଣ୍ଡର, ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ଲାଣ୍ଡର, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋଷ। କ'ଣ, ଆ ଦ୍ୱାରା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଢ଼ୁଛି, ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେଟା ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଥିବେ, ସେ ଆଉ କେହି ଚାହିଁକି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେନି, ସେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ମୂଲ ଲାଗିବେ କିଏ କୁଆଡ଼େ, କାରଣ ମୂଲିଆ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଯଦି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ଅଫିସରେ ମୂଲିଆ କିଏ ଆସିବ, କିଏ ମୂଲ ଲାଗିବ? କିଏ ସପ୍ତମ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କେତେ ଜଣ ଫେଲ୍ ହେବେ, ଦଶମ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବହୁତ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲେ, ସେ କିଏ ମୂଲ ଲାଗିବ, କିଏ ବଢ଼େଇ କାମ କରିବ, କିଏ ବାରି କାମ କରିବ, କଳିକ ବୃତ୍ତିଟା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ସିଏ ମନେ ମନେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ବ୍ରେନ୍ଲେସ୍, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଆଉ ସେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁନି, ମାନେ ବିଲକୁ ଯିବା କୌଣସି କାମ କରିବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରୁନି, କାରଣ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ମାନେ ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ହେବେ, ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ହେବେ, କେତେ ଲୋକକୁ ବିଦ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସର ହେବେ। ଏଇଟା ଭଗବାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଷମ୍ୟଟା ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମାନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି କରାହେଇଛି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଜ୍ରେ କରାହେଇଛି ନା, ତା ଏ ଆଙ୍ଗୁଠାକୁ ସମ୍ମୁଖ ରଖାଇଲେ ଧରି ହେବନି ଜିନିଷଟାକୁ, ଏଇଟା ଧରିବ ଧରିପାରିବେନି ଆପଣ, ସମ୍ମୁଖ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଧରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଟା, ତାକୁ ସମାନ କାହିଁ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଦରକାର, ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଚାଲିବ, ସବୁ ଏକା ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ତାର କରିବ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣ ଯେତିକି ଧନ ଅନୁସାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ସମୟ ବହୁତ ବଳିବ, ସମୟ ବହୁତ ବଳିବ, ବଳିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ତସୈବ ହେତୋ ପ୍ରୟତେ ତ କୋବିଦୋ ନ ଲଭ୍ୟତେ ଯଦ ଭ୍ରମତାମ ପରିୟଧ। ସବୁ ସେଇଠି ନେଇକି ରଖୁଛି ଏଇ ଶୋକ ତିନିଥର, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଧନଟା ଆସୁଛି, ଧନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଆସୁଛି ସୁଖ ସେମିତି ସ୍ୱତଃ ଆସିବ, ଏଇ ଶ୍ଳୋକ ଭାଗବତରେ ତିନିଥର କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଶ୍ଳୋକଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଠି କହିଲେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ନାରଦ କୁନା, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ତସୈବ ହେ ତୋ ପ୍ରୟତେ ତ କୋବିଦ ନ ଲଭ୍ୟତେ ଯତ୍ ଭ୍ରମତା ମୋ ପରିୟତ, ତଂ ଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖ ବଦନ୍ୟତ ସୁଖମ କାଳେନ ସର୍ବତ୍ର ଗଭୀର ରଙ୍ଗସ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାଳକ୍ରମେ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଆସୁଛି ସୁଖ ସେମିତି ଆସିବ, ତସୈବ ହେ ତୋ ପ୍ରୟତ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କର। ଯାହା କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟା ଏ 14 ଭୁବନରେ ଘୁରିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏ ଜଗତର ନୁହଁ ନା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ଜଗତର ନୁହଁ, ଆପଣ 14 ଭୁବନରେ କହିଲେ ଭ୍ରମତାମ ଉପରି ଅଧ, ଉପରେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମିଳେନି, ମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି,
तस्यैव हेतु प्रयत प्रयत माने प्रयत्न कर को भी विद्वान से मत से विद्वान लोक बुद्धिमान लोक प्राज्ञ लोक अवशेषर मध्य से कथा कह लब्धवा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मनुष्यमर्थदम नित्यमपि अधीर तूर्णम जतेत से मध्य जतेत यत्न कर तूर्णम जतेत नपतेत अनुमृत्यु जावत निश्रेय साय विषया खलु सर्वतः स्यात् सेटा मध्य कहले भागवत रे आहुरी आगू कहिजे जे कि से मनुष्य जन्म अति दुर्लभ अनित्य अर्थद से यत्न कर तूर्णम तूर्णम माने इनस्टाटली सांगे सांगे आरंभ कर अपेक्षा कर ना मुझ बुढ़ा बेलू बस जप करी ना एवं कर ये कहते कौ महाराता अच्छे सब श्लोक संबंधित अच्छे संबंध अच्छे सब तेनाली प्रयत्न करवा दरकार जिते जड़े इंद्रिय भोग प्रति आसक्त हेनी जी आवश्यक से ग्रहण कल तार जी सन्तुष्ट हो तार जी लाभ कर ताले बहुत समय बलि हरि को ये भक्ति करने प्रभुपा लिखुंट आवर ओनली बिजनेस इज द इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ शुड बी टू रिवाइव आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड दस बिकम क्वालिफाइड टू रिटर्न होम बैक टू गॉड हेड आम गोटे मात्र बिजनेस हूँ केमती भगवत धर्म को आचरण कर वैकुंठ को जी वैकुंठ को चिंता चिंता कर साधना दरकार साधना पर समय थी साधना करेंगे जब आप पंद्रह घंटा परिश्रम कर खाई बचापे आप साधना केत बर्तमान जो आधुनिक सभ्यता ना आपको बेस परिश्रम करा पड़ चाहिए सबूत कि पड़ू दिन दिन सब एत पैसा दरकार पड़ा आप सब धन रोजगार करा व्यस्त हे सब सब जिन किणवे एफोन आने फोन एटा दरकार केसबावपत्र आम घर भेजे देख चिंता करना के वस्तु दरकार सिंपल लाइफ है ना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ परिश्रम करा पड़ो से बाध्य कर तुमको परिश्रम कर इकोनोमिक सिस्टमटा एमती आप गधपर खटे आ भाव कौन ना मुझे सुखी एटा बहुत बड़ इल्यूजन समस्ते खटुचान आप देखते बड़ बड़ धनी लोक सी बसुना जो मैंने सब इंडिया रे बहुत 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 बड़ा धनी जो मैंने सी बसुना कहीं स्टाटस मेन्टेन कर रखा पड़ो ना आउ किए धनी से मुझे धनी मैंने सब सेमती रही से स्टाटस मेन्टेन करने सी भी खटुचान बुढ़ा होगला भी खटुचान यहाँ हूँ माया इल्यूजन माया सुखाय भरम उद्भवत विमूढ़ान मूढ़ मान रास बदमाश लोक आ बुद्धिहीन लोक खटुचान सब से कहले चिंता करना पिला मैंने तंग दे सुख मंदिर कम दैत्य देह जोगे न देह नाम सर्वत्र लभ्यते दैवा जथा दुखम अजत्नता अजत्न जमती बिना जत्न दुख आस सुख सेमती आस करू कौन ना तत्प्रयास न कर्तव्यो यतायुर्व्यः परम न तथा बिंदते क्षेम मुकुंद चरणाम्बुज प्रहलाद कहले ताले करिबो कौन ना तत्प्रयास न कर्तव्य से मोटे प्रयास करना कहीं जत आयुर्व्यह परम जो थे बल आयुष जाऊँगी से मोटे समय नष्ट करना आयुष जाऊँगी जो अधिक रोजगार करेंगे अपन समय देवा पड़ो ना खाली सेमती बिना परिश्रम हेनी तो समय देवा पड़ो खाली समय दे शारीरिक बल देवा पड़ो से कह तदर्थे प्रयास न कर्तव्य जत् प्रयास आयु व्यय परम आयुष जाऊँ बल जाऊँ जो आयुष आ बल को लगे कि मुकुंद भगवान चरणारुंज भगवान पाद पद्म लाभ कर पारे ये मनुष्य जन्म गोटे लिमिटेड टाइम लिमिटेड एनर्जी दिखाई टाइम हो 50-60 वर्ष से पुणी आगे कहे से 50-60 वर्ष ही बचुना तार अदा सो पड़े आम तेणु से सब बचुने आम हिसाब देवे आगक कहीं आगे कर पा मान शिक्षा दौरान बयस बढ़े तुम्हें भक्त भजन करा बहुत कष्ट बर्तमान बापा खाइब छोट छोट पा चिंता अच्छी निजुक चलने खाया बचाप चिंता ना बापा दायित्व नौ समय भजन कर जाओ मागणा सब मिलूँ इस समय भजन कर जाओ तेपाई कौन तुम्हें समय नष्ट करना से तत्प्रयास न कर्तव्य प्रयास कर ना कौरे ना जो थे आयु व्यय हो आयुष व्यय हम से मैं प्रयास कर ना आख भोगार्थम उद्यम मनुष्य देह प्राप्य न कर्तव्य मनुष्य देह जो मैंने पाई से मैंने सुखपाई ये कठिन परिश्रम करवा ठीक नुहद
कहीं जीवन लक्ष्य हूँ कृष्ण को भक्ति लाभ करवा आ गोटे कथा कहते न तथा बिंदते क्षम मुकुंद चरणाम भगवान मुकुंदकर जो आम जो किसी शक्ति दिखाई कि समय दिखाई निर्धारित समय दिखाई आ सहित कहले अध्रुवम केत बड़े सेमती किसी ना आप 70 वर्ष बचे कि 100 वर्ष बचे निर्धारित है कि सेमती तेणु कौ समय मृत्यु आसीपा से आमको समयटा को शक्ति को भगवत पाद पद्म लाभ करने चे लगे पड़ो एक कहले कहला से कहते जितेबले कि लोक साधारण लोक मैंने कौन ना परिश्रम करते भावुँ आम कर्तव्य कर गोटे लोक साधारण लोक जी परिश्रम करोगी भी सेक परिश्रम कर संसारी लोक चिंता करते भोर 4 लोक जा छतर बजार पर आण नहीं कौट बिकवा से एडपटे खाई नए सेपटे गैस्ट्राइटिस सेड़े कम कष्ट प्रतिदिन जन जा दुकान जो दुकान बजार कर 8 रात 8 10 8 पर्यटन बस बहुत कष्ट कर उड़ी जा चिंता कर संसार आसक्ति जो कह संसार आसक्ति के भयंकर आग को प्रहलाद कह सब जिन लोक निज शरीर को भी देखुने शरीर को देखुने से परिश्रम दी से परिश्रम कर फल हरि को अर्पण करदेव से भक्ति होता ज्ञान ना यहाँ बुद्धि ना से परिश्रम कर जड़े जड़े जोगी जी परिश्रम करूनी जड़े कर्मी ताठार बेसी परिश्रम करुचे बेसी चिंता उठाऊ कितु तार अज्ञता हेतु से नर्क को जाऊँ खटी खटी नर्क को जाऊँ कि भक्त हो जोगी हो से खटी खटी वैकुंठ को जाऊँ एका परिश्रम करुँचु कम परिश्रम करु कौशलटा जान जोगम कर्मसु कौशलम भगवान भगवद गीतार कहले से कौशलटा जाणी तो कर्म कर भगवान को देदे फलटा मुक्ति किंतु से कर्म खटी खटी परिश्रम कर जन्म जन्म धरी से ही करुच से ही कर परिश्रम के ना घोचा भ्रम से ही कर परिश्रम के ना घोचा भ्रम भाल मंद नाचा ना देख फिरिया भाल मंद ना देख फिरिया किबा नित्य किया नित्य भाविया बुझाओ चित्त किबा नित्य किया नित्य भाविया बुझाओ चित्त विष खाओ अमृत तेजिया विष खाओ अमृत तेजिया से कहते से ही कर परिश्रम के ना घुचाओ भ्रम भाल मंद ना देख फेरिया से एका परिश्रम करुचे किंतु विचार कर बुद्धि ना बोली नर्क को जाऊँ कौ बुद्धि ना बुद्धि न माया सुखाय बर मुदबह तो विमुढ़ान से भावुची परिवार को सुख सुखी कले स्त्री को सुख कले सुखी कले मु सुखी हे ना से परिश्रम द्वारा जो भगवत सुखी भगवान का सुखटा देख से परिश्रम तार भक्ति चिंता कले जी खटुची परिश्रम जी हरि उद्देश्य खटवे वैकुंठ को जीप गोटे जन्म दरकार ना केवल हरि उद्देश्य कर आ कि ना अंबरीश महाराज से कहते ना कौन सबे मन कृष्ण पदार बिंद वचांशी वैकुंठ गुणानु वर्णन करो मान दिन सारा दिन तमाम केवल से हरि सेवा से एका कम रोसे कर रोसेटा भगवान को अर्पण कले भक्ति ना कर्म ये से ही कर परिश्रम के ना घुचाओ भ्रम कि भ्रम भावुच पर सुखी कले एम को सुखी कले सुखी ना भगवान को सुखी कले समस्ते सुखी जीवे भाल मंद ना ना देख फेरिया कौन भल कौन मंद किसी विचार करूनि किया नित्य किवा नित्य किया नित्य भाविया बुझाओ चित्त विष खाओ अमृत तेजिया अमृत को छाड़ू विष को खाऊ विष मान कौन विष 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 मान इंद्रिय भोग टिके लालसा रही बोली से प्रभुपात कहते कहीं लोक मूर्ख
ना गोटे चान्स अच्छे शीत दिन पर समस्त समस्या समाधान हो वैकुंठ चली एत सुविधा अच्छे किंतु कहते मूर्खा में तो बुद्धि ना तो से एका परिश्रम कर सब एका कम चल गोटे कर्मी और भक्त भितर कौन पार्थक्य ए साइड घर लोक रोचे से मैंने रोसे करें रोसे कर रोजगार करें रोजगार कर सब चलते एका जिन यू मंदिर कहीं कह जाए जो हरि सेवा चल भगवान करमें से खाऊ आम से रोजगार कर सब कम से चलते कि हरि करा दिव्य कह कर्म कह केवल केवल बुद्धि अभाव आ कि ना विचार शक्तिर अभाव ये कहते किवा नित्य किय नित्य भाविया बुझाओ चित्त विष खाओ अमृत तेजिया विष खाऊ विष विष खाऊ विष विषम विष सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगन ना होइनु विष खाऊ कहते परिश्रम केते करुचि देख कत वृष्टि बाते ग्रीष्म किया तपसिते देख कत वृष्टि बाते ग्रीष्म किया तपसिते कत ना करिछ परिश्रम कत ना करिछ परिश्रम स्त्री पुत्र संसार लागी चित्त सदा जेन जोगी स्त्री पुत्र संसार लागी चित्त सदा जेन जोगी बुझ भाई एक नहे भ्रम बुझ भाई एक नहे भ्रम कल देख कत वृष्टि बाते ग्रीष्म कि आतपसिते खरा ना वर्षा ना शीत ना ऑफिस को जीवा पड़ब मार्केट को जीवा पड़ब करोना कौश ना चिंता कले बात्या करोना हूँ तथा मध्य लोक मास्क बांधि पचे हौ पचे कौन कर छुआ पिला प्रथम प्रथम टे रेस्ट्रिक्शन तापर लोक जीवन को बाजी लगे गले हाँ मार्केट को जी नगल कम चल संसार वृष्टि बाते ग्रीष्म कि आतपसित कतना करश्रम केश्रम कर स्त्री पुत्र संसार लगे चित्त सदा जेना जोगी जोगी जमती भगवान को पाइबा परिश्रम करठिन परिश्रम कर संसारी लोक बुझ भाई एक ही नुहे भ्रम एत सब परिश्रम करवल टे हरि आश्रय ना हरि सेवा करदे ये परिश्रम भक्ति हो जाता वैकुंठ चल जातु कि भ्रम पड़ कि रही जन्म जन्म बीती जाए परिश्रम से न तथा बिंदते क्षेम मुकुंद चरणाम्बुज ये भगवत पाद पद्म मिलजि कि समय गुड़ाक शक्ति गुड़ाक नष्ट करदे केवल वृथा संसार सुखर क्या कहते प्रहलाद असुर बाक मान कौन पार छोट पिला अच से कहुच आग को यही समय आसब परिस्थिति आसब तुम्हें बहुत कर बड़ हम समस्ते प्रहलाद महाराज निजे बहुत कर असुर बाक मैंने समस्ते बहुत कर ताले शिक्षा कहीं दौर ना जब पूर्वर ये शिखी देते हरि भक्ति ताले विवाह कले संसार भितर पशिले पद्मपत्र बसा जल जल भितर पद्म रही पत्र रही पत्र जल लगुन तेना आउ संसार प्रति आसक्त हेन एटा स्पिरिचुअल फाउंडेशन ये फाउंडेशन टा पड़गले पिला माने नष्ट जदि बाय चांस नष्ट अजामिल पर पुणे आसबे कल आम से कथा कहते असुविधा किसी ना रिस्क ना कि किंतु ये फाउंडेशन टा पकेबा दरकार स्त्री पुत्र संसार लगे चित्त सदा जेन जोगी बोझ भाई एक नए एक नए भ्रम यटा कौन भ्रम नुहे तुम्हें जानुच केश्रम कर भगवत सेवाटा छाड़ी भगवान को छाड़ी से परिश्रम भगवान को अर्पण करदे बहुत बड़ कल्याण हाँ न तथा बिंदते क्षेम मुकुंद चरणाम्बुज आ जो आयुष जो शक्ति देकर आम संसार सेवा करुचे निष्कपट भाव सेवा करुचे से तो किसी कल्याण किसी ना जन्म जन्म बीतीज ये कौच तेणु एक कहला से कहते समय अपचय हो तो कौन करवा ततो जते कुशल क्षेमाय भयमाश्रित सारिरंग पौरुषं न जावन्न विपद्येत पुष्कलं ततो जते कुशल से जते तो माने जत्न कर
ଯତ୍ନ କରିବା କଥା କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି କ'ଣ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲେ ଟିକେ ମାଳା ଦେଇ ମାଳା କରିଦେଲେ ଭଗବତୀ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ହେବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖାଲି ଯତ୍ନ କରିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରୁଛି, କେତେ ଲସ୍ ହେଲା, କାହିଁକି ଲସ୍ ହେଲା, ତା ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ହେଉନି, ଯତ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ସେ। କହିଲେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ, ଯତ୍ନ କରିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଯତେ ଯତେ ତ ଶବ୍ଦଟା ସବୁ ପ୍ରୟତେ ତ ଯତେ ତ ଯତେ ତମେ ଯତ୍ନ କରିବ। ଯତ୍ନ ମାନେ ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛନ୍ତି, ମଚିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ଯେ ଶ୍ଳୋକ ଭୁଲିଲେ, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯତ୍ନ ମାନେ ଯେଉଁଠି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା ଜପ କରିବା, କେଉଁଠି ସାଧୁ ଆସିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପକାଉଛି, ପଚାରି ପକାଇବା, ସବୁ ସମୟଟା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବି, ସବୁ ଯତ୍ନ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମୟ ନଦେଲେ ମାୟା ନେଇଯିବ ସମୟ, ତା ସମୟ ସବୁ ସମୟ ନେବ ସେ, ମାୟା କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଦେବ ନା ଆପଣ ବସେ ଆପଣ ଭାବେ ରିଲାକ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ହରିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନଦେଲେ ମାୟା ନେଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବ ସମୟ ନେବ ତୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଦଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନଦେବେ 50 ବର୍ଷ ଗଛ ଏଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେନ୍ତା କହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ସମୟ ନଦେଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସମୟ ଦେବେ, ଏଠି ଯଦି ଏଠି ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ନଦେବେ ସେପଟେ ଆଉ କିଏ ଆପଣ ପଇସା ନେବ, ସେଠି ହରିଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆପଣ ସବୁ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ, ସମୟ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ, ଧନ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ଆମର ପଇସା ସରିଯିବ କି ସମୟ ଏଠି କାହିଁ ସମୟ ଦେବେ ସମୟ ନାହିଁ, ଏଠି ଲସ୍ ହେଉନି, ଏଠି ଆପଣ ସମୟଟା ଏଇ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗେନ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଲାଭ ହେଉଛି। ଏଠି ଧନ ଦାନ କଲେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ବଦଳେ, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କମିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛି। ଯାହା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଯାଉ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା, ଯେଉଁ କ'ଣ ଏ ଜିନିଷଟା ସେଇଆ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଯାହା କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥ ଧିଅ ବାଚ ଯାହା କିଛି ଦେଉଛି ସବୁ ତା'ର ଲାଭ ହେଉଛି, ଏଠି କିଛି ଲସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ତୋ ଯତେ ତ ଯତ୍ନ କରିବା ମାନେ ଟିକେ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ମାନେ ଭକ୍ତି କରିପକାଇବ, ଯତେ ତ ଯତ୍ନ କରୁଛି ସବୁ ସମୟରେ କେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳ କ୍ଷମାୟ ଭୟମ ଆଶ୍ରିତ, କାହିଁକି ନା ସଂସାରକୁ ଦେଖି ଭୟ କରିକି ସବୁ କାମ କରିପକାଉଛି। ସଂସାର ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆଗକୁ ଅଛି, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ତିରସ୍କୃତ ହେବ ଯିବ, ତା ସହିତ ସଂସାରରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସଂସାରରେ, କ'ଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ତ ସଂସାର ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ କେବଳ ଖାଲି ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମୋର ନିଜର ଲୋକ ନିଜର ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବିପରୀତ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ବିପରୀତ ହେଇଯିବେ, ଅତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସଂସାର। କ୍ଷମାୟ ଭୟମ ଆଶ୍ରିତ, କ୍ଷମାୟ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଭୟମ ଆଶ୍ରିତ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା, ଶରୀରଂ ପୌରୁଷଂ ଯାବନ୍ ନ ବିପଦ୍ୟେତ ପୁଷ୍କଳଂ, ଶରୀରଂ ପୌରୁଷଂ ଯାବନ୍ ନ ବିପଦ୍ୟେତ ପୁଷ୍କଳଂ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଇଛି ଶରୀର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାହିଁକି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଇଛି ମାନେ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ବୁଢ଼ା ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବସି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଜପ କରିବା ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସେସବୁ ଆଉ ଆସିବନି, ବିଚାର କହୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଯଦି 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାକିରି, ତାକୁ ଚାକିରି କିଏ ଦେବେ? ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ହେଉନି, ପରମାର୍ଥ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବ? ପରମାର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ଗୋଟେ ବଳ ବୟସ ଦରକାର, ଛୋଟ ପିଲା ବୟସ ଅଛି, ଯୁବକ ଅଛି, ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଉତ୍ସାହ ଯେମିତି ଗୋଲାପଟା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଉଛେ, ଗୋଲାପ ତାଜା ଗୋଲାପଟା ଦେଉଛେ ନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫୁଟିଥିବା ଗୋଲାପ ଦେଉଛେ ନା ମଳି ଯା ପଡ଼ିଥିବା ମାନେ ଦୁଇ ଦିନର ଗୋଲାପ ଦେଉଛେ ନା? ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅଛି, ବାଳକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ମନରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶରୀର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭୃକ୍ଷେପ କରିବେନି, ଶରୀର ଶକ୍ତି ଶରୀର ସାଥ ଦେଉଛି ନା। ଦିନେ ଶରୀର ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଏତେ ଆଦର କରି ଏତେ ଭଲ ଖୁଆଉଛେ, ଭଲ ଗଦିରେ ଶୁଆଉଛେ, ସେଇଦିନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଠିଆ ହେବ। ବୟସ ବଢ଼ିଗଲେ, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେବନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅପେକ୍ଷା କର ନା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ଭକ୍ତି କରିବି। ସେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ କୌମାର ଆଚରେ ପ୍ରଜ୍ଞା କାହିଁ କହିଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ବିପଦ ଦିଏ ତ ପୁଷ୍କଳ, ଶରୀର ପୁଷ୍କଳ ମାନେ ସୁସ୍ଥ, ସୁସ୍ଥ
शरीर सुस्थ थिबा आ विपदग्रस्त हवा पूर्वर एटा करिवे विपदग्रस्त हेला करि परिवेने अपन देखो तो गुटे रोग हे गेले टिके जर हे गेला कि छ अलग रोग हे गेले किछ रोग हे गेले मन आउ भक्ति लगुने जपमाला थोद कर मन केमी स्तर सुस्थ हे केमती जोटे साधारण रोग हेले आम करें भक्ति आम ढिला शीतल हो जा यदि गोटे डाक्तर कह तुमको ब्लड कैंसर हो गलाने आ भक्ति कथा छाड़ चिंतार रही आप बड़ रोग हो गले सब पिता लगे सब किसी करें युवक अवस्था बालक अवस्था रोग मैंने डरती से लोक को रोग आसे सहजे बालक अवस्था युवक अवस्था अपेक्षा कर बुढ़ा केत सबुजाक रोग माड़ बस आस आखि खराब हो गला कान खराब हो गला पेट कामुड़ा ये है से आठगती बात बाहर सब पलि आस भजन कर तुम्हें विचार कले आम कौन गजेन्द्र हो गले आड़े कुमीर टाणु पचे हरि को गजेन्द्र देना भगवान को आराधना करदे से अद्भुत शोक गाईदे से केवल पूर्व जन्मर स्वीकृति जार अच्छी पूर्व से गजेन्द्र थे ना इंद्रदम्न राजा से कहीदे आम सेमती एत स्वीकृतिवान लोक नु से आम से आम मानी अपेक्षा कर ना जो शरीर विपदग्रस्त हेले करी बुढ़ावल करी ना एबू कर तो जते कुशल क्षेमाय भयमाश्रित जे आग को मु बुढ़ा हेबी आग को यही प्रकार विपदग्रस्त हेबी यही को भय करी जा गोटे चिंता करूँ आम जो पिला को पाठ कहीं पढ़ाऊे ना पाठ पढ़ले से बड़ हेले चाकरी कर खुशी रहने भविष्य को लक्ष्य रखिकी पाठ पढ़ाऊे युवक अवस्था आम चाकरी कहीं करे रोजगार कहीं करे ना बुढ़ा ही गले मोर परिश्रम करा पड़े मोर कि पैसा थी कि घर थी सब थी वृद्ध अवस्था को लक्ष्य करुवक अवस्था परिश्रम रोजगार धन रोजगार करुचे बार्धक्य अवस्था कौन ना परवर्ती जन्म को लक्ष्य कर भजन कराया पड़ो क्या आर जन्म कमी मोर अधगति न से तत्व जत सब भय को मानने आगे कई सब जिन घटना घटव पर लोक मत तिरस्कार करेंगे वृद्ध हेबी मोर आ समय शक्ति शरीर शक्ति नईटा को देखी भय करी भजन कर तत्व जते कुशल क्षमाय भयम आश्रित से कल्याण निमित्त भजन कर शरीर पौरुषंग जावन्न विपद्येत पुष्कलम शरीर वृद्ध हवा पूर्व विपदग्रस्त हवा पूर्व रोगी वृद्ध है मैंने सब रोग रोग माड़ बस क्या रोग अपेक्षा कर समस्त आपत जो दिन जो भूल कर शरीर प्रति आप जानत तो से बुढ़ा बेलू बाहर कौद अधिक कदमी खाई थंडा से आप जाए से अच्छी वृद्ध टिके दुर्बल हेल्ले बाहर आप जहाँ जहाँ आम भूल कर सब स्टोर होयस टी कमे आप इम्यूनिटी पावर टे कमीगला मैंने बयस बढ़ीगला मैंने सब रोग गोटी 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 बाहर से तौक आ भजन करपेक्षा आम जो बस समय गड़ौचे ना गड़े हमें पीड़ाय स्थिर चिंताय ज्वरित पीड़ाय स्थिर चिंताय ज्वरित अभावे ज्वलित चेत अभावे ज्वलित चेत उपाय ना देखी अंधकारमय उपाय ना देखी अंधकारमय एखन हाइछे भीतर एखन हाइछे भीतर संसार तटिनी श्रुत ना हे शेष संसार तटिनी श्रुत ना हे शेष जीवन मरण घोर जीवन सब समापिया भजिबा तोमाय सब समापिया भजिबा तोमाय ए आशा विफल मोर ए आशा विफल मोर
कहले वृद्धावस्था आसीजीव भक्ति विनोद ठाकुर कहते पीड़ाए अस्थिर चिंताए ज्वरित अभावे ज्वलित चित्त शरीर पीड़ा दब आउ तिरस्कार मिल बुढ़ावस्था जो मान को सब आप धन संपद जौवन सब देदे ना घर द्वार सब पैसा पत्र पिला छुआ दे से मैंने दुर्दुर मार मार करेंगे बेड्रे झाड़ा बस पायखाना को जापार नहीं अंटा पिटी पड़ लग जाए उठे पड़े किए किए सह गुड़ाक आम देखुचे पा कहीं सहबेन से बल बयस या समय हरि सहित संपर्कटा जोड़ी थे जो कहले आत्मप्रिय आत्मेश्वर स्वरूप से समय निर्भर करेंगे जदि तिरस्कार शुणे आ लगे कि मत भगवान जो अवस्था को ने कर तेणु से कहते पीड़ाए अस्थिर चिंताए ज्वलित अभावे ज्वलित चित्त उपाय ना देखी अंधकारमय एक न हो इच्छेवित आम भाई कि वृद्ध बयस बस भजन करी वृंदावन पलैबि ये करना कि कहले संसार तटिनी स्रोत नहे शेष जीवन मरण घोर सब समपिया भजीव तमा ए आशा विफल मोर मन भितर जो बड़ बयस मानने युवक अवस्था भावुला गृहसुख कै भोग करे तापर बड़ बयस बयस बढ़ीगले करवा ना संसार तटिनी स्रोत नए शेष गोटा पर गोटे दायित्व आस जाऊँ आप अतिक्रम कर भजन करी ये समय दबनी संसार आपण को समय आसवनी के को संसार कह ठीक अच्छे बहुत कलेंट था से आप भजन करेंगे एमती के संसार को उपेक्षा करा पड़े भजन कर से कहते से कथा को तस्मात् कारणात् विवेकी पुरुष संसार दुखात् भीत सहन जतेत संसार जो दुख आसव आ विशेषकर निज सर दुख दब यू देखी भय कर से जते जत्न करवा दरकार भागवत धर्म पाई एक कहले सब कहे कि समय केमी जा नष्ट आगे कहे शोकर पचास वर्ष पड़ोसी बाल्यावस्था कोड़े वर्ष पड़ोस वृद्धावस्था कोड़े वर्ष पड़े मोटे दस वर्ष पुणी जौवन अवस्था से पुणी प्रमत्त ही धन रोजगार करवा दुरापुरेण कामेना मोहेना च बलीसा युवक अवस्था धन रोजगार परे निशा लगे समय से को देखा से समय कि दिन रात एक कर दिए से परिश्रम कर भगवान कर भजन करते बड़े ये साधु संग नक सब कथ न जाणिले जीव ए संसार जो चक्र भितर पशी मुक्त हो पारे आ सब समय नहीं जा संसार जब लेंबू चुपुड़ी चुपुड़ी तो लेंबूर लास्ट ड्रप बाहर कौन कर फोपाड़ दौरान डस्टबिन वेस्टबिन में पकई दौर सेमती संसार सब नहीं जा शरीर शक्ति सामर्थ्य धन जौवन सब नहीं जा लास्ट बुढ़ा बस चोपा हो गला फोपाड़ दि ना ना नहीं तेनाली संसार सहित संपर्क जोड़े ये अवस्था हे तर संसार छाड़ छाड़ा दरकार नहीं प्रहलाद महाराज छाड़ी जाए प्रहलाद महाराज बहुत कर असुर बाड़क जो मान शिक्षा दौरान प्रहलाद महाराज से मैं बहुत करूँ पूर्व यहाँ शिक्षा करके जाना शिक्षा करवा रही अलग दृष्टि संसार को देख रही अनासक्त हो रहा दिने सब आसब मत जी मोर कर्तव्य अच्छे से कर्तव्य कर हरि भगवान समय देवा पड़ो आ प्रमत्त परी गोटे पगला परी पूरा संसार मग्न हो सेमती हमने से ए साधु संग कले जय श्रीमद भागवतम की जय श्रील प्रभुपाल श्रील गुरुदेव की जय निताय गौर प्रेमानंद हरे।